bismillah ar-rahman ar-rahim. wa hajru wa fi amwalihim wa in the wa ikahumul fa'izun. those who have believed emigrated and strived in the cause of allah with their wealth and their lives are in greater rank in the sight of allah. it is they who will triumph. salam alaikum. bismillah ar-rahman ar-rahim. hu Wajahat sa'id khan. welcome. टू गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स मेरा मॉर्निंग शो जो इस उम्मीद से आपका दिन शुरू करता है कि पाकिस्तान की गंदी सियासत के बावजूद आपकी सुबह खैर से शुरू होगी बैड so, पॉलिटिक्स आज ऑफ़ ऑफकोर्स जुम्मा है और सॉरी आज सैटरडे है लग रहा है जुम्मा है क्योंकि हरकतें ऐसी हुई हैं. आज सैटरडे है और आ, आपका सैटरडे मेरा अभी अभी जुमा खत्म हुआ है तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई आज आसिम साहब ने अपना डे फाइव स्पेंड आ, किया वाशिंगटन का टूर जो है वो खत्म हुआ न्यूयॉर्क का जिधर मैं हूं न्यूयॉर्क का टूर जो है वो शुरू हुआ है और अब वो आगे डिज्नीलैंड मतलब फ्लोरिडा जा रहे हैं मगर उसमें हम आएंगे कि उनकी आइटिनरी अब अगले 24 अड़तालीस घंटे जो आखिरी उनके रह गए हैं उनकी क्या होगी आ, आज गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स में अभी तक वॉशिंगटन की जो, जो ट्रिप है उसका रैप है किस किस से मिले क्यों मिले क्या बोला क्या नहीं बोला कौन उनसे मिला किसने ये एडमिशन की कि वो उनसे मिला, उनसे मिला किसने मिलके ये बताया ही नहीं हमें कि वो किससे मिला किससे नहीं मिला ये सब डिटेल्स हैं आज हमारे पास फिर आ, डायस्परा से आपको पता चल गया होगा कि जो पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी हैं उनसे भी आसिम मुनीर साहब मिले काफी डायस्परा उनके लिए तोहफे शोफे डोनेशंस की उनके लिए जाती तोफे तो हम नहीं कह सकते मगर डोनेशंस की उनको डायस्परा वालों को थप्पी छपी मारी मगर कुछ डायस्परा वाले जो हैं वो नाखुश हैं और वो अब आ, पाकिस्तान आ, की फौज और स्पेशली आ, जो इधर जो हुकूमत है डोनल लू साहब जो है उनसे आ, उनके खिलाफ इधर एक केस कर रही है ये केस दो दिन पहले हमें अलीमा खान खान साहब की जो बहन है उन्होंने इनफॉर्म किया था कि पाकिस्तानी डास्परा अब इंग्लैंड में भी एक्शन में आ रहा है जिधर कासिम सलमान इमरान खान के जो बेटे हैं उधर केस कर रहे हैं और अमेरिका में भी हम करेंगे ये दो दिन पहले उन्होंने कहा था ये खबर हमने कन्फर्म की है कौन एक्शन में आ रहा है किधर से लॉ सूट हो रहे हैं किस किस्म का ये केस होगा कौन कौन मुल्वस होगा वकला कितने हैं कौन है कितनी बड़ी लीगल टीम इकट्ठी हो रही है और किस चीज पे केस बनाएंगे इधर बैठे हुए पाकिस्तानी पाक फौज पे या अमरीकी कैसे केस बना सकते हैं आज ये भी है हमारे पास अफकोर्स आसिफ मुनीर को फ्रंट एंड सेंटर रखते हुए जो प्रोटेस्ट हुई हैं इवन दो इमरान खान ने कॉल दी थी कि कोई मजबा ना इकट्ठा हो कोई प्रोटेस्ट ना हो कोई इंतजार ना हो फिर भी आ, लोग इकट्ठे हुए हैं उन्होंने आसिफ मुनीर साहब का कैसे استقبال किया कल वाशिंगटन में कुछ एम्बैरसमेंट हुई इस पे भी हम आपके लिए खबरें लाए हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली वेरी इंपॉर्टेंटली पिछले जो चीफ्स आए हैं उन uh, के जो गेन्स थे उससे हम वे करेंगे uh, उससे कंपेयर करेंगे कंट्रास्ट करेंगे कि आसिम मुनीर साहब ने क्या गेन किया पिछले जो चीफ्स आए थे उनको किस किस्म uh, की अटेंशन मिली थी उनको उनके साथ किस किस्म uh, की uh, uh, आप कह सकते हैं

कोर्स इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें अच्छा जी बिस्मिल्लाह करते हैं जनरल सैयद अगर आप ऑफिशियल इस वक्त आई एस पी आर का स्टेटमेंट पढ़े तो बड़ा क्लियर है लंबे चौड़े नाम लिए हैं कि, कि जनरल सैयद आसमिर निशाना इम्तियाज मिलिट्री सीओ एस कॉल्ड ऑन की गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑफिशियल ड्यूरिंग विजिट टू द यूएस मतलब कि सर इन लोगों से मिले हैं एंथनी ब्लिंकन वजीर, वज, वजीर खारजा जनरल लॉयड ऑस्टन रिटायर्ड अच्छा जी ये लॉयड ऑस्टन की स्पेलिंग गलत हो गई है आईएसपीआर में जो कनेल हैं, सिफारशी, फिर से बोलूंगा प्लीज स्पेल चेक किया करें ऑफिशियल जो आपकी स्प्रेस रिलीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा जिसे आप मिले हैं उसी की नाम की स्पेलिंग आपने गलत कर दी है कोई बात नहीं कोई बात नहीं एफ जब करके आओगे फौज में तो यही होगा जनरल लॉयड ऑस्टन

एनीवेज ये जो बयानिया है पूरा इसका मैं लिंक लगा रहा हूं ये जो इन्होंने लिखा है शाया किया है जबरदस्त गलत अंग्रेजी वाला जो इन्होंने किया है शायद जल्दी में किया है ये मैं लिंक लगा देता हूं आपको ये ले लगाएं और खुद आप देखें कि किन किन से मिले हैं मगर इसका एक पैराग्राफ जो है उस पर मैं तवज्जो दूंगा इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द मीटिंग्स

तो काउंटर टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो और डिफेंस कोलैबोरेशन कोलाबोरे दिफाई उमूर पे हम कैसे साथ काम कर सकते हैं हैं ये हैं, ये ये कोर कोर एरियाज़ जो डिस्कस हुए थे इन मीटिंग्स में मगर इंटरेस्टिंगली सर जी जो हैं वो मिले हैं स्टेट डिपार्टमेंट के साथ भी उसका कोई मेंशन नहीं किया गया कि स्टेट डिपार्टमेंट जो इनकी वजारत खारजा है जो बेसिकली ऐलान करती है कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए होना चाहिए कैसे होना चाहिए इलेक्शन अच्छे थे या बुरे थे पाकिस्तान काजारत है, है, है दिफा ने तो फौजियों से फौजियों की बात कर ली वजारत खारजा का कोई मैंशन नहीं है इस प्रेस रिलीज में कि वजारत खारजा से क्या बात हुई स्टेट डिपार्टमेंट से क्या बात हुई अच्छा एक तरफ तो मैंशन नहीं है कि इलेक्शन पे बात हुई नई इलेक्शन करवाने पे बात हुई बंदों को अंदर क्यों किया है उस पर बात हुई अमरीकियों को पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं जैसे खदीजा शाह है उसके साथ जातियां हो रही हैं उस पर बात हुई नई नो मैंशन बट उस पर हम आते हैं आप दूसरी तरफ अगर देखें कि खुद स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने क्या बोला है स्टेट डिपार्टमेंट की अगर आप वेबसाइट पर जाए जनाब तो स्टेट डिपार्टमेंट में तो छुट्टी थी जब ये कल मिले हैं स्टेट डिपार्टमेंट की तस्वीरें शाया हुई है इन्होंने अपनी फीड पर लगाई है और इनका जो फीड है आर्म फोर्सेस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस न्यूज उस पे इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं उस उसपे जो इनके टू हैं बेचारे वही कप्तान 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 बेचारे जो हैं एफ वाले वो कह रहे हैं क्या बॉडी लैंग्वेज है सर की क्या खूबसूरती है सर की क्या ग्रेस है क्या चाम है सर छा गए हैं वो तो ठीक है वो सर की माशाल्लाह से बॉडी लैंग्वेज बाकी अच्छी है मैं एग्री करता हूँ सर बड़े फिट हैं पिछले जो जरनेल है वो पिछला वाला जो था उसे तो मार्च पास नहीं हो रहा था जिस दिन वो रिटायर हो रहा था बाजवे की बात कर रहा हूँ कम अज कम जनरल है जो एक सोल्जर को होना चाहिए मगर हम बॉडी लैंग्वेज से अगर आगे देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल एलानिया नहीं किया कि हम इस बंदे से मिले क्यों मिले किस लिए मिले कितनी देर के लिए मिले कहां मिले कुछ नहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने मेंशन किया जो भी मेंशन हुआ है ये जो लोग हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन विक्टोरिया न्यूलैंड जॉनथन फाइना हमें नहीं पता ये जो जोनाथन फाइना विक्टोरिया न्यूलैंड और एंथनी ब्लिंकन के साथ सॉरी जोनाथन फाइना डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वे टॉक अबाउट न्यूलैंड एंड ब्लिंकन इनके साथ जो भी मीटिंग्स हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई इसका मतलब है अमेरिका ने जो भी इंटरक्शन किया है आपसे वो ऑन द रिकॉर्ड ऑफिशियल इंटरक्शन नहीं किया दिस इज वेरी बिग न्यूज ना पाकिस्तान के आई एस पी आर ने अपने एलानिय में बताया है कि इस इंपॉर्टेंट इस इंपॉर्टेंट दफ्तर से क्या बात हुई है तस्वीरें शायद की हैं पाकिस्तान ने अमरीकियों ने नहीं शाया दूसरी तरफ दूसरी तरफ एज इम्पॉर्टेंटली अमरीकियों ने भी नहीं एक्नोलेज किया है कि हम इस बंदे से मिले हैं जो भी तस्वीरें शाया हुई हैं इनफॉर्मल तस्वीरें हैं अन तस्वीरें हैं अमरीकियों ने इसको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना एक ऑफिशियल मीटिंग कहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको असेस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो दफ्तर है इधर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है उनको लेटर पे लेटर लिखा जा रहा है उनके ऊपर ऊपर ब्रीफिंग्स हो रही हैं हमें आज और ये ब्रेकिंग न्यूज है हमारी तरफ से ले लें आप कि जनवरी में अभी जो अगला महीना आने वाला है उसमें एक और कांग्रेस में एक और कॉकस एक ब्रीफिंग कर रहा है एक हेयरिंग कर रहा है जिसमें पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की औरतों के साथ तुम लोग क्या सलूक कर रहे हो तो इसलिए अमरीकियों ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है अमरीकिया अमरीका की तरफ से एक ही अलानिया शाया हुआ और वो तीन दिन पहले शाया हुआ जो पेंटेगॉन में जो मीटिंग थी क्योंकि ये अपने हम से मिले थे पेंटेगॉन में और कोई अमेरिकन ने एग्नोलेज नहीं किया इस इस मीटिंग को प्ले डाउन किया है अमेरिकन ने और जो भी तस्वीरें शाया हुई हैं बॉडी लैंग्वेज वाली जो तस्वीरें जो इनके जो टट्टू हैं बेचारे वाले जो शाया कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं ये अनऑफिशियल फोटोग्राफ्स हैं फर्स्टली दिस इज अ वेरी बिग डील एनीवेज वेज पे हम कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी साइड से ये भी आया कि जी हमने कश्मीर की भी बात की हमने कश्मीर के रेजोल्यूशन पे भी बात की हमने ना ब्रीफ किया कि जी कश्मीर का हम भूलना नहीं चाहिए एनीवेज एक तो ये था तो कश्मीर पे नॉमिनली बात हम क्या करें कश्मीर तो क्लोज हो चुका है केस इंडिया की तरफ से क्लोज हो चुका है और अमेरिका ने सालों से आ, जो है इस पे जो खामोशी इख्तियार की है वो हम सबके सामने है अच्छा फिर ये डायस्पोरा से मिले मतलब जो पाकिस्तानी नजाज जो अमेरिकी हैं उनसे मिले वो जनाब आए वो हमने हमने सुना है कि वैसे तो बहुत सारों को इनवाइट किया था मगर बहुत सारे जो है एम्बेसी नहीं आए क्यों नहीं आए हमें नहीं पता किसी को शायद जुकाम हो गया कोई शायद पीटीआई का किसी को शायद जुकाम हो गया शायद किसी को इमरान खान का बुखार हो गया हमें नहीं पता कि किस रीजन से पूरा जो है डायस्परा जो गेस्ट लिस्ट थी वो पूरी गेस्ट लिस्ट इनसे मिलने नहीं आई फिर भी जर्न साहब बैठे इसकी भी एक तस्वीर तस्वीर शायद हुई जनल साहब बैठे एम्बेसी में कुछ गोरे शोरे भी स्टेट डिपार्टमेंट के आए थे एक दो डिफेंस डिपार्टमेंट के भी लोग थे वो भी अटेंड करने आए इन्होंने जनाब स्पीच की इन्होंने कहा वही जो ही करते हैं कि जी अमेरिका जो है बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एस आई एफ सी में प्लीज आप लोग इन्वेस्ट करें और एक साहब हैं तनवीर अहमद साहब उन्होंने एक डोनेशन दी उनको इन्होंने सराहा नौ मिलियन डॉलर उन्होंने नस्क लिए दिए थैंक यू सर थैंक यू आपने पाकिस्तान की एजुकेशन में इन्वेस्ट बिल्कुल आपको करना चाहिए और इन्होंने आखिर में कहा कि डायस्प्रा जो है पाकिस्तानी निजात अमरीकी जो है वो हमारे हीरो हैं फिर से सबको मैं गुड मॉर्निंग कहूंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें बड़ा मजा आने वाला है अच्छा ये तो हिस्सा हो गया वॉशिंगटन के ट्रिप तक का ऑफिशियली जो हमने आपको बताया और अनऑफिशियली जो हमने आपको बताया मगर दूसरी तरफ से ये पर बात है है इस पे हमने आज एक खबर निकाली है। और ये खबर रिलेटेड है कि सर ने तो बिग बॉस ने तो डायस्परा की तारीफ कर दी तनवीर अहमद का नाम भी छप गया है एस पी आर में वेरी गुड गोरो ने आधे गोरो ने जो है कहा कि हम तुमसे मिले हैं आधे गोरो ने इग्नोलेज नहीं किया वो उन्होंने केस क्लोज कर दिया चलें यह हम अंडरस्टैंड करते हैं आधे जिन जिन्होंने केस क्लोज किया फिर से इसका खुलासा करूंगा इसलिए क्योंकि खुद अमरीकी व्हाइट हाउस अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट खुद सेक्रेटरी क्लिंट टोनी को लेटर लिखे गए हैं कि तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान की अमरीका की वजारत खारजा क्या कर रही है पाकिस्तान से कैसे डील क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान में बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है इसलिए शायद अमेरिकन कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं लाए क्योंकि शायद जो कॉन्वर्सेशन हुई हैं जो गप लगी है शायद उसमें इलेक्शन का डिले ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और पाकिस्तानी अमेरिकन का जो ट्रीटमेंट है शायद वो सख्त कड़वे सब्जेक्ट्स उनके बारे में बात हुई है शायद यही रीजन हो सकता है वरना अगर मीटिंग अच्छी जाती प्रोडक्टिव जाती तो पाकिस्तानी भी लगते हैं कि हमने स्टेट डिपार्टमेंट से ये बोला है और स्टेट डिपार्टमेंट भी लगता है कि हम पाकिस्तानी चीफ से मिले हैं और बड़ा हमें मजा आया है और इस सब की जो अनऑफिशियल जो कॉन्टेक्स्ट है उससे मुझे फीलिंग होती है फीलिंग क्या बल्कि पता है कि सख्त बातें डेफिनेटली हुई हैं शायद शायद इसलिए आज रात सुप्रीम कोर्ट ने अपना दफ्तर अपना रूम नंबर 1 कोर्ट रूम नंबर 1 खोला और अब इलेक्शंस जो हैं उसकी जो स्केड्यूल है वो सबमिट हो गया है शाया हो गया है और शायद इसीलिए इलेक्शंस जो हैं अब ऑन गोइंग है कंफर्मड है कि इलेक्शंस हो कंफर्म तो खैर कुछ भी नहीं है ऊपर वाले को पता है क्या कंफर्मड है कि इलेक्शंस हो रहे हैं बट लेट्स टॉक अबाउट दिस केस ये जो केस की कहानी है ये केस की कहानी तीन दिन पहले अलीमा खान वाले ट्रायल से अपने भाई के साथ जो उनकी इसकी ट्रीटमेंट हो रही है इमरान खान की अपने भाई के के साथ जो सलूक गुस्से में निकलती हैं और अगर आपने उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जो रोज जेल से बाहर आके करती हैं तो जरूर देखें अलीमा खान गुस्से में निकलती हैं और अनाउंस करती हैं कि ये तो फांसी दे देंगे लोगों को भुटो को जब फांसी दी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये लग रहा है खुदा ना करे कि ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं इनको हम अब देखेंगे द आर नाउ ऑफ हम इंग्लैंड में भी केस करेंगे ह्यूमन राइट्स का सलमान करेंगे और हम अमेरिका में भी डोनाल्ड लू का आ, को आ, सू करेंगे ये अलीमा खान ने तीन दिन पहले अनाउंस किया है हमने स्टोरी का खोज लगाया कि भाई अलीमा खान ने तो उधर अडियाला जेल के सामने कह दिया केस इधर कौन लड़ेगा वेल येस वॉट केस जो है वो दीगर पाकिस्तानी फैमिलीज लड़ेंगी ये एक क्लास एक्शन सूट होगा क्लास एक्शन सूट वो होता है जो खाली एक बंदा नहीं करता बहुत सारे लोग करते हैं हमारे के मुताबिक अलग अलग फैमिलीज़ अलग-अलग बिजनेसमैन और अलग अलग इंडिविजुअल्स जो अफेक्टेड हैं पाकिस्तान के रेजीम चेंज से वो जिन वो रेजीम चेंज जो वो आ, अपना मुद्दा बना रहे हैं कि डोनाल्ड लू के साइफर से ट्रिगर हुआ ये जो फैमिलीज हैं ये डोनाल्ड लू को एक क्लास एक्शन लॉ सूट लॉ सूट के तहत और स्टेट डिपार्टमेंट को आ, सू करने की तैयारी कर रहे हैं अच्छा ये आ, इस सब से क्या होगा और ये हो, होगा कैसे ये होगा ऐसे कि ये कहेंगे हमारा मुद्दा ये है कि हमारे बिजनेसेस हमारे बहन भाई हमारे माँ बाप हमारी ज़मीनें हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी जायदाद जो है वो अफेक्ट हुई है इसमें अलग अलग लोग शायद हों इसमें फॉर एग्जाम्पल अलग-अलग लोगों को अप्रोच या उनके केस इवन अगर वो खुद नहीं मुद्दा ही बने उनके केस जो, है, वो example, जो हैं वो बयान किए जाएंगे फॉर एग्जांपल जो लॉयर्स हैं जिनसे मैंने बात की है वो ये बातें कर रहे हैं एक और साहब हैं उनकी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है फ्लावर मिल थी उनकी वो इन्होंने क्योंकि उनकी वबस्तगी थी सीबीआई से उनकी फ्लावर मिल बंद हो गई है तो लोगों को इन्होंने क्योंकि harassment भी किया है लोगों के बिजनेसेस टारगेट किए हैं लोगों की फैमिली मेंबर्स को उठाया है लोगों की जमीन जायदाद को और ऑफ ऑफ कोर्स लोगों के पीस माइंड को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है तो ये क्लास एक्शन लॉ सूट बनता है और मुझे बोला गया जरा से हंड्रेड परसेंट अब ये इट्स हैपनिंग वाई मैंने पूछा कि अब क्यों हंड्रेड परसेंट हो रहा है पहले क्यों नहीं किया उन्होंने कहा मुझे बताया गया जरा कहते हैं कि हम पहले इज्जत रख रहे थे फौज की थोड़ा सा स्पेस दे रहे थे मगर आ, वो स्पेस अब देने का वक्त नहीं है क्योंकि इनका जो तरीकाकार है जिस तरीके से ये ओपन ट्रायल का मजाक उड़ाया है इमरान खान शाह महमूद एंड कंपनी के साथ ये, जितना हम कर रहे हैं उतना ये हमें धक्के दे रहे हैं तो अब कॉम्प्रोमाइज अब हम नहीं कर रहे एंड हमने वैसे भी अपनी प्रोटेस्ट रोकी थी पी के और पी टी आई जरा अलग से कहते हैं कि हमने अपनी प्रोटेस्ट रोकी थी इमरान खान ने कॉल दी थी प्रोटेस्ट रोक दो आर्मी चीफ का जो बायजत उसका एक जो होने वाला है टूअर उसे बायज्जत करने दो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत पीटीआई के अंदर से जो इधर पीटीआई की अमेरिका की फॉलोइंग है बहुत लोग गुस्से में थे लोग तैयार थे अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए वॉशिंगटन आने के लिए मगर इमरान खान की कॉल से पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमने ब्रेक लगाई मगर दूसरी तरफ ये जो केस वाले लोग हैं ये कह रहे हैं कि अब ब्रेक लगाने का वक्त खत्म हो गया है जनवरी में एक हेयरिंग भी है एक वुमेन्स कॉकस की कमेटी की एक हेयरिंग है और ये जो हेयरिंग है ये पूछेगी खातन के बारे में पूछेगी कि हाँ भाई क्या हुआ साथ साथ चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है माइकल मकॉल उन से भी उनको भी अप्रोच किया गया है और वो भी इंटरेस्टेड हैं इस इस हेयरिंग में तो बिकॉज अभी कांग्रेस बंद हुई हुई है इधर की जो नेशनल असेंबली है जनवरी में खुलेगी तो ये सब आप एक्शन देखेंगे ऑन द ग्राउंड जनरल साहब एंड कंपनी एक्शन देखेंगे अब इस सब में आ, एक जो चीज है वो ये है कि जनरल साहब की जो मीटिंग है कल डायस्परा के साथ वो कैसी गई अब उससे हमें इनसाइडर कुछ डिटेल्स निकली हैं कुछ लोग बुलाए गए पूरी गैसलेस नहीं आई जो लोग आए उसमें से कुछ खुशामदी थे जो एंबेसी का काम होता अनफॉर्चुनेटली हो तो खुशामदी तो आए आए तो तो थे गलती से एक बेचारे पढ़े लिखे लोग भी आ गए उनमें से एक सबक सेनेटर भी थे इनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा भाई जो सबक सैनिटर साहब थे इन्होंने चीफ को जरा कॉन्स्टिट्यूशनली इनको जरा कॉर्नर की और पूछा कि सर कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपके पास इस कोई कोई सीन नहीं है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं ना केटी का गवर्नमेंट का ये काम है जो वो कर रही है बिजनेसेस कर रही है पॉलिसीज बना रही है ना आपका ये काम है तमीज से पूछा सवाल मगर पूछा जरूर इस पे हमें जरा बताते हैं जो अंदर थे कमरे के इस पे चीफ ने पॉलिटिकल सिस्टम को लत्ताड़ा ये शब्द जो है हमारे जराए बताते हैं कि उन्होंने सिस्टम को लताड़ा और उन्होंने इमरान खान समेत तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तमाम और ये सब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आजकल लाडले बने हुए हैं वो भी इसमें शामिल हैं पॉलिटिकल लीडर्स को लताड़ा और कहा कि ये तो साले सभी करप्ट हैं और इनकी वजह से ये मसला हुआ है और साथ साथ उन्होंने पीटीआई को जैसे शहबाज शरीफ ब्लेम कर रहा है वैसे ही इन्होंने भी पीटीआई को ब्लेम किया अभी तक इलेक्शन डिले के लिए इमेजिन पीटीआई को ब्लेम किया है according to our sources, PTI को ब्लेम किया है है है। चीफ ने कि ये ये इनका, इनका है, ये जो हुआ है. Anyways, अब इसके अलावा कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया अपना जो डॉक्टर्स की इधर एक एसोसिएशन है अपना की के लोग थे, उन्होंने इसको बॉयकॉट किया और बॉडी लैंग्वेज जो कंसर्न है उसमें एमबेसी का स्टाफ बड़ा टेंस था बड़ा अंडर प्रेशर था मसूद खान साहब एम्बेसडर हैं पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी हैं वो बड़ा अंडर प्रेशर फील कर रहे थे क्यों नहीं अंडर प्रेशर फील कर रहे होंगे क्योंकि एमबेसी के बाहर जो हो रहा था उसके भी हमने डिटेल्स निकाली आपके साथ आपके लिए उसके भी हमने एग्जाम्पल्स निकाले हैं आ, पांच साढ़े पांच बजे इन्वाइट था सात साढ़े सात बजे आ, जो है कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी पहले लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आना था रिसेप्शन था बाहर हाइट पे हमें बताया गया है कि तकरीबन 100 डेढ़ सौ डेढ़ सौ, सौ के करीब बंदा था मगर उसी वक्त सर्दी जो है वो शुरू होती है क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे जो गैस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे तो वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो कम होना शुरू हो गए आखिर में खाली तीस चालीस प्रोटेस्टर्स तो जो थे वो रहे ये चीज भी हमने आपके लिए निकाली है खबर कि वाशिंगटन में कम अज कम बॉस जो हैं वो किसी होटल में नहीं रहे बॉस जो है वाशिंगटन में ज़राए कहते हैं कि एम्बेसी के अंदर ही रहे क्योंकि वॉशिंगटन में हालात ऐसे नहीं थे कि होटल में सिक्योरिटी होटल में पब्लिसिटी को कंट्रोल करना होटल में तस्वीर को कंट्रोल करना नारेबाजी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है एम्बेसी क्योंकि गेटेड कॉम्पाउंड है शायद इसलिए इन्होंने प्रेफर किया कि एम्बेसी के अंदर ही अपनी रेजिडेंस पिछले दिनों में जो हुई है इनकी रखें ये बिल्कुल अलग एक का विज़िट था जब जनरल मुशरफ आए थे तो उस जमाने में अलग एम्बेसी थी और वो जो एम्बेसी है वो तो उसमें जगह ही नहीं थी इतने पॉपुलर किस्म का वो ट्रिप था उसमें जगह ही नहीं थी उन्होंने एक बड़ा सा होटल का कॉन्फ्रेंस रूम बुक किया था जिधर जन मुशरफ को डा के साथ साथ जो इवेंट था जब भी आर्मी चीफ आता है कोई ना कोई इवेंट होता है या एम्बे में होता है या भी होता है तो इस बार इंटरेस्टिंगली ये एम्बेसी में ही ज्यादातर इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया जनरल साहब ने और एम्बेसी के अंदर ही इवेंट हुआ और उसकी जो अटेंडेंस थी वो काफी कम थी जो लोग थे वो भी हमें हमने कह हमें खुश खुश आमदियों के अलावा जो लोग थे वो भी ज्यादा हाई कैलिबर का डैश पर नहीं था ज्यादातर बाबे थे जो थोड़े बहुत छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं ये हमें जरा बता रहे हैं कोई बहुत तगड़ी हाई क्लास किस्म का अभी तक हमारे सामने नाम नहीं आया हमारी रिपोर्टिंग अभी मुकम्मल नहीं है जब आएगा तो हम आपको बता देंगे कि किन किन लोगों ने जनरल साहब के साथ क्या क्या बातें की ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि आसिम मुनीर का ये ट्रिप है और आखिरी जो इन्होंने सिविलियन से बातें की थी आपको याद होगा साल के शुरू में इन्होंने कुछ बिजनेसमैन जो कराची और लाहौर में तैनात हैं उनसे बात की थी उसके अलावा आसिम मुनीर की सिर्फ सिविल सोसाइटी वगैरह से लेक्चरबाजी रही है ज्यादा इन्होंने लोगों से बात नहीं की कम बोलते हैं शायद इसलिए जब भी बोलते हैं हमें उस पर खबर रखनी चाहिए हमने ये भी सुना है कि डोनल लू भी आए थे हमने ये भी सुना है कि डोनाल्ड लू भी आए थे सो so, डोनल लू ऑफकोर्स साउथ एशिया का डस्ट चलाते हैं और डोनल लू भी आए थे सो so, आई uh, वो फाइनली मशहूर मशहूर लू मीट्स जमाना तो ये भी मीटिंग uh, कैसी गई होगी क्या इन्होंने बातें की होंगी कि हाँ जी ये मजा आ रहा है तो दूजे ने कहा होगा यार तूने क्या कर दिया है ये क्या मुझे तूने विरासत में दे दिया बट ऐसी बातें हुई होंगी बट एनी वेज डोनल लू भी डेफिनेटली थे एम्बेसी के बाहर एक ट्रक भी लग गया था एलईडी स्क्रीन वाला न्यू जर्सी से जिधर मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क साथ न्यू जर्सी लगता है दूर है वॉशिंगटन से न्यू जर्सी न्यू जर्सी से किसी शेर के बच्चे ने वो इमरान खान की तस्वीर और खदीजा शाह और बाकी की तयबा राजा वगैरह की तस्वीर लगा के एम्बेसी के सामने एक ट्रक भी खड़ा कर दिया था एक और किसी शेर के बच्चे ने एक बहुत बड़ा बैनर बना के जिसमें चार्ज शीट बारह पॉइंट्स की चार्जशीट थी वो बारह पॉइंट्स की चार्जशीट बाहर जाके एम्बेसी के गेट के सामने रख दी थी जब ये अंदर मीटिंग हो रही थी Anyways, ने अलग अलग हरकतें की बीच में लाइटें भी बंद कर दी शो करने के लिए के शायद अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ये वो लोग बता रहे हैं जो बाहर सर्दी में बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे और जोरों शोर से कर रहे थे मगर ये लोग बताते हैं कि डेढ़ सौ से ज्यादा जो है हमारी नफरी थी आखिर में हम खाली तीस चालीस लोग रह गए थे आर्मी चीफ की ये जो ट्रिप है जो वाशिंगटन का जो टूर है कम से कम ये लेग अब इख्ताम हो रहा है अब वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं एक मिनट में मैं बताता हूं मगर द वेरी फैक्ट के uh, दो नई चीजें हुई हैं इस आर्मी चीफ के इस ट्रिप में एक तो ये पहला आर्मी चीफ है जिसके साथ जो मीटिंग्स हैं वो इग्नोलेज नहीं की पब्लिक मीटिंग्स पब्लिक ऑफिशियल्स ने इग्नोलेज नहीं की कोई तसावीर नहीं छाया इससे पहले जो पिछले आर्मी चीफ्स आए हैं उनको तोपों की सलामी मिली है किस तोपो की, की सलामी मिली है उससे पहले राहिल शरीफ को लीजन ऑफ मेरिट मिला था उन दिनों में बाजवा जैसा भी था और राहिल जैसा भी था बल्कि दोनों माशाला से हयात हैं बिल्कुल आ, आ, जैसे भी हैं आ, उनको फिर भी ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट बड़े हाई दर्जे की मिली थी तस्वीरें वीडियो हैंडशेक्स जपिया नॉट दिस आर्मी चीफ ये सवाल एक तो बनता है कि ये क्यों अमेरिका का रवैया क्यों अलग है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत या नोयत को नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि एक डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान इतना फजूल हो गया है कि पाकिस्तान के, के आर्मी चीफ के साथ मीटिंग जो है वो पब्लिक मिनट्स में आई नहीं रही स्टेट डिपार्टमेंट की ये हम बिलीव नहीं कर सकते ये हम कहीं से बिलीव नहीं कर सकते तो क्या ऐसी बात है आर्मी चीफ में कि इनको पब्लिकली इग्नोलेज नहीं किया गया एक जमाने में ना उस डायस्परा ने इतना इंटरेस्ट लिया ना स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इसको साइड किया ना कि तोपों की सलामी मिली ना कोई लीजन ऑफ मेरिट मिला क्या बात है कि इस आर्मी चीफ को ये ट्रीटमेंट मिली है नंबर वन नंबर टू डायस्परा ने कभी ऐसे जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं ने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया बहुत लोग आए हुए हैं मैं इधर था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मैं जब कॉलेज में था उस वक्त मुशरफ आया था बिल्कुल अलग समा था मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था कैम्ब्रिज में जब क्या आया था आसिफ जदारी भी मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता आया था जब मैं ग्राड स्कूल में था उस वक्त भी बिल्कुल अलग समा था और अब बिल्कुल अलग समा है आर्मी चीफ की रिसेप्शन के लिए डायस्परा कभी ऐसे खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से डायस्परा आर्मी चीफ के लिए खड़ा हुआ है यस लोग एहतजाज करते हैं इमरान खान आया तो पी नून के जो है मुश्टंडे और पीपीपी -पी -पी वाले जो हैं उन्होंने वो इमरान के खिलाफ जत्थे निकाले थे फिर इमरान ने अपनी बड़ी सी मेख्यालय ह्यूस्टन में या न्यूयॉर्क में कई मीटिंग भी की थी वो होता रहता है वो सियासी हैं मगर आर्मी चीफ का दफ्तर सियासी नहीं है बन गया है सियासी नहीं है मगर डायस्परा को मैंने नहीं देखा कि आर्मी चीफ के खिलाफ कभी एक बंदा भी निकला हो ये तो पूरे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज एक एफर्ट है दिस नीड्स टू बी नोटेड एम्बेसी वाले उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया जो आ जा रहे थे वो चुपचाप बेचारे चलते गए आते गए डिफेंस विंग के लोग और एम्बेसी के भी लोग अच्छा ये तो हो गया वॉशिंगटन का टूर का एनालिसिस अब जल्दी जल्दी आखिरी दो चार मिनट में हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्या है आज वो आए न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में वो जनाब ईस्ट साइड पे मुझे नजर आ रहा है वो जिधर हैं इस वक्त ईस्ट साइड पे वो रह भी रहे हैं और ईस्ट साइड पे उनकी आज मीटिंग्स भी हुई हैं न्यूयॉर्क की दो साइड्स हैं ईस्ट साइड और वेस्ट साइड और, वेस और, और और भी साइड्स हैं मगर न्यूयॉर्क ईस्ट वेस्ट में बटा हुआ है ईस्ट साइड पे अकवा मुत का हेडक्वार्टर लगता है ईस्ट साइड पे वो आए हुए हैं ईस्ट साइड में अपर ईस्ट साइड में उनका होटल है उधर वो ठहरे हुए हैं नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा साथ साथ उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मीटिंग की है यूएन के साथ पाकिस्तान के तीन मुद्दे हैं मुद्दा नंबर वन कश्मीर जो इस वक्त इंडिया ने जिसकी जिसकी आर्टिकल 370 को दफन कर दिया है ये इंडिया की जो ज्यादती है इंडिया की जो जारियत है इस पे वो अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं बात कर रहे हैं गोटेर से नंबर वन नंबर अफगानिस्तान के पनाह गुजीन वाला इशू जो ऑब्वियसली एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इशू है यूएन ने पाकिस्तान के ऊपर शोर मचाया है यूएन के अफसरों ने लटरबाजी की है यूएन की जो रिलीफ एजेंसीज हैं रेफ्यूजी एजेंसीज हैं उन्होंने लटरबाजी की है पाकिस्तान अच्छी बुक्स में नहीं है पाकिस्तान ने जिस तरीके से लाखों अफगान पना को निकाला है आई एम श्योर के गुटेरे ने बोला है चीफ को कि बॉस ये आपने क्या किया है और चीफ ने कुछ बोला होगा और तीसरा जो मुद्दा है वो ऑब्वियसली فلسطین का है जिसमें जिस जिस इजरायली जारियत जारी है तो पाकिस्तानी जारियत अफगानिस्तान के पनागोजिन के साथ इंडियन जारियत कश्मीरियों के साथ और इजरायली जारियत फिलस्तीनियों के साथ इन तीन इश्यूज पे आज आ, रिपोर्टिंग के मुताबिक डॉन के मुताबिक इन तीन इश्यूज पे बात हुई है ये तो न्यूयॉर्क में हुई है मगर चलते-चलते आगे क्या है आगे जनाब ये है कि ये जा रहे हैं टैंपा फ्लोरिडा टैंपा जो है फ्लोरिडा जो है वो अमेरिका के जनूब में बिल्कुल एक अलग जगह पे स्टेट है फ्लोडा पैनहड में एक जबरदस्त जगह है टैंपा टैंपा क्यों जा रहे हैं फ्लोडा क्यों जाता है लोग अक्सर किसी अमरीकी से अगर आप मिले वो, और वो कहे कि यार मैं फ्लोरडा जा रहा हूं तो आप कहते हैं अच्छा छुट्टी करने जा रहे हो जबरदस्त एंजॉय योरसेल्फ क्योंकि बाकी वो एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है उधर डिज्नीलैंड भी है उधर वाटर वर्ल्ड भी है उधर पता नहीं क्या क्या है उधर बीचेस बड़े जबरदस्त हैं मजेदार बीचेस है और हमेशा बीच वेदर रहता है मगर ये एक्चुअली टैंपा इसलिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता कि बीच जाएंगे या जाएंगे वो उनकी मर्जी बस अगर जाए छुट्टी करने तो मैं बस उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के खर्चे पे ना जाएं अपने जाति खर्चे पे जाएं मगर जो जी कंपोनेंट है टैंपा की ट्रिप का वो एक्चुअली सेंट्रल कमांड सेंट कॉम जो अमरीकी ऐसा एक अमरीकी थिएटर ऑफ कमांड है कमांड ऑफ थिएटर है जो हमारे खत्ते को देखता है मशरक़ वस्ती में अलग अलग जो थिएटर हैं पूरी दुनिया में जो अलग अलग थिएटर हैं अमरीकी जो स्ट्रक्चर है अफवाज का वो थिएटर पे मुश्तमिल है इनका एक थिएटर है जो अफ्रीका को देखता है इनका जो थिएटर है एक पैसिफिक को देखता है इनका एक थिएटर है जो यूरोप को देखता है इनका एक थिएटर है, है जो खिला को भी देखता है और ऑब्वियसली इनका एक थिएटर है जो हमारे खत्ते को देखता है उसका जो हैडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा में है उसके फ्लोरिडा का जो बॉस है सेंट कॉम का उसे दो तीन बार इस पिछले साल ऑलरेडी मिल चुके हैं माइकल कुरीला इनका दोस्त है इनके घर 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 भी भी आया हुआ है। भी हुआ है है इन्होंने पे पे सिविलियन कपड़े पहन के माइकल को बिठाया वो भी फोर स्टार है ये भी फोर स्टार है तो इनका आप कह सकते हैं शायद अभी तक जो सबसे अन दोस्त जो है अमरीकी फौज में वो उससे आखिर अपनी ट्रिप को रैप अप करने जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो इंटरफेस है वो सेंट कॉम से सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो उस थिएटर को देखता है जिधर पाकिस्तान बेस्ड है क्योंकि अमरीकी फौज इतनी बड़ी है वो दुनिया को अलग अलग तरीकों से अलग अलग लेंस से कंट्रोल करती है अलग अलग थिएटर से देखती है तो इसलिए हम जो रेलिवेंट थिएटर है उधर जा रहे हैं और ये एक तो थिएटर ऑफ वॉर होता है एक और जो थिएटर पाकिस्तान में जो थिएटर लगा हुआ है ये जब सेंट कोम से फारिग होंगे तो फिर ये जाके उस थिएटर में भी जाएंगे और उधर जो कटपुतलियां और ड्रामे जो चल रहे हैं उनको भी जाके देखेंगे हम उम्मीद करते हैं कि अमरीकी थिएटर को देख के वॉशिंगटन का ड्रामा देख के जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है पाकिस्तान में वो अब थोड़ी सी अगली किस्त जो है अगले दो एक दो महीने जो इलेक्शन को रह गए हैं अगली किस्त इस थिएटर की पाकिस्तानी थिएटर की अलग होगी और अमेरिका की जमहूरियत से कुछ ये लेसन और अमेरिका की ट्रीटमेंट से ही कुछ लेसन सीखेंगे इसी के साथ ही अपना ख्याल रखें शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें आ, मेरी आवाज आपके बगैर आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है थैंक यू आपने तीन लाख सब्सक्राइबर्स तक मुझे पहुंचाया अब अपनी जर्नी आगे करते हैं और शाम को फिर इंशाल्लाह हाजिर हूंगा महाज के साथ फिर से रिमाइंड करवाता चलू गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स सुबह आता है कभी 10 बजे कभी 11 बजे कभी 12 बजे सॉरी बॉस मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता मगर आता जरूर है कोशिश करूंगा और महाज जो है वो शाम को कभी 10 बजे कभी 11 बजे कभी 12 बजे ऐसा आता है अब मैं एक टाइम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी और जिंदगी है और मसरूफियात हैं मगर आपके साथ इसलिए अब मजा आता है कि मुझे मुल्क याद आता है आप याद आते हैं मुझे रिसेंटली इन्होंने बोला भी है कि आ जाओ ये जो है हमारे बॉस लोग जो है अब पता नहीं मेरे साथ ये वो ना करें जो मरवत के साथ किया कि पहले बुलाएं और फिर मेहमान नवाजी करें और फिर कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाजी करें तो अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं कब वापस आऊं बट डेफिनेटली इलेक्शन को कवर करने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ uh, मैं हमेशा फील्ड फील्ड की रिपोर्टिंग का कोई सानी नहीं है मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं इलेक्शन को न्यूयॉर्क uh, से कवर करूं पाकिस्तान के इलेक्शन को दुआ करें कि मैं वापस आऊं और uh, uh, जब आऊंगा तो महाज ऑन द ग्राउंड भी होगा ख्याल रखें फिर से शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट सी अल टेक केयर और अपनी मां की याद जरूर दुआ लें और रोज दिया करें पाकिस्तान जिंदाबाद